वेलकम टू माय चैनल। वाह क्या स्वाद। आज हम लोग जिंजर गार्लिक ब्रेड बनाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। आप बहुत अच्छे तरीके से घर में बना पाएंगे। और इसमें खासियत ये है कि इसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। और इसे एक और खासियत है कि दो अलग अलग वे से बनाया है, एक तो कन्वेक्शन में और दूसरे को कढ़ाई में। तो देखिए व्हीट गार्लिक ब्रेड बनाने में मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। अभी मैं व्हीट गार्लिक ब्रेड दो तरह से बनाऊंगी एक साथ, एक ओवन कन्वेक्शन में और दूसरा कढ़ाई में। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये एक देखिए मेजरिंग कप है, इससे मैंने दो कप व्हीट फ्लोर लिया है, ये मोजरेला चीज लिया है, दो प्रोसेस्ड चीज लिया है, अमूल के बटर लिए हैं दो ये क्यूब, और दो अनियन लिए हैं मीडियम साइज, दो कैप्सिकम लिए हैं, ये गार्लिक ली है, ये नमक लिया है, ये एक्टिव ईस्ट एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है, ये चीनी ली है, ओरिगेनो लिया है, और ये चिली फ्लेक्स लिया है। अदरक लहसुन और धनिया के पत्तों को महीन टुकड़ों में चॉप कर लूंगी और साथ में बटर इसमें मिला के एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लूंगी। में हम एक टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डाला और उसके बाद उसमें हाफ कप पानी डाल के इसे जेंटली मिक्स करेंगे। इसमें शुगर पाउडर या शुगर कुछ भी एक टेबलस्पून, इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। आटा जो हम घर में यूज करते हैं उसी से बनाएंगे और हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और जो मैंने 10 मिनट ढक के ड्राई ईस्ट को रखा था इसी से हम इसे मिलाएंगे। हम इससे अच्छे से पहले मिलाएंगे सारी चीजों को, फिर और थोड़ी सी पानी डालें। अब हम इसे हाथ से फिर मिलाएंगे, तभी ये अच्छे से मिल पाएगा। मिक्स करेंगे हम हाथ से फिर, इसे बनाने में आधा कप ड्राई ईस्ट वाला वाटर लगा है, उसके बाद करीब पौना कप और वाटर लगा है। तो देखिए इसका टेक्सचर कैसा आया है, मतलब कि लगभग सवा कप पानी और दो कप गेहूं के आटा, इससे देखिए कितना स्टिकी ये बना है आटा। इसे टक कर दूंगी, अब इसे मैं ऊपर से ऑयल लगा के अच्छी तरह ऑयल लगा के छोड़ूंगी। इसे गर्म जगह पे किचन में छोड़ सकते हैं। इसे ढककर एक घंटा से सवा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। देखिए लहसुन अदरक और धनिया के पत्तों को चॉप करके उन्हें बटर के साथ मिक्स कर लिया। दो घंटे के बाद आटा कैसा हो गया है, कितना रेज किया है अभी तक देखिए। अब मैं इसे फिर से मिला लूंगी, इसे मैं एक दो मिनट इसे मिक्स कर लूंगी, बस सफिशियंट है। मैं इक्वल टू पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर लूंगी, क्योंकि मुझे इसे दो टुकड़ों में बनाना है, एक कढ़ाई में गैस पे और दूसरा कन्वेक्शन में। तो मैं
प्री हीट होने के लिए दोनों को एक साथ मैंने चढ़ा दिया है। ये कढ़ाई भी प्री हीट हो रहा है, कन्वेक्शन को भी मैंने प्री हीट मोड में डाल दिया है। देखिए इस पेस्ट को मैं पूरे पे स्प्रेड करूंगी, साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। देखिए साथ में मैंने दोनों को इस तरह से पहले बेल लिया है, अब मैं साथ में ही ये करती रहूंगी, हाफ बस हाफ में ही ये करना है। ये प्रोसेस्ड चीज को मैं कर रही हूं पहले, उसके बाद प्रोसेस्ड चीज इसमें भी हाफ में ही करती रहूंगी। देखिए प्रोसेस्ड चीज को मैंने स्प्रेड किया है बस हाफ में, अब मोजरेला चीज को भी इस पे स्प्रेड आउट कर लूंगी, इस पे भी ऐसे ही अल्टरनेट करके, इसके बाद उसको फिर इसको ऐसे करके हम चीज स्प्रेड आउट करेंगे, फिर ये नॉर्मल प्रोसेस्ड चीज को फिर मोज़रेला चीज को देखिए, अब इस पे मैं ये वेजीज डालूंगी कुछ, जैसे कैप्सिकम अनियन, आप अपने टेस्ट के अनुसार वेजीज इस पे डाल सकते हैं, जैसे कॉर्न मशरूम पनीर या चिकन। बस जरा सा सॉल्ट भी स्प्रेड कर लूंगी, ज्यादा नहीं, और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे पैक कर दिया है, अब दूसरे को भी इसी तरह से इसे मैं जिस तरफ से ऐसे हाफ रखा था इस तरह से ऐसे करके इसे सील करूंगी। देखिए ये हो गया, कन्वेक्शन के लिए मैंने पिज्जा ट्रे को ले लिया है, अब इस पे इसे रखेंगे और नॉर्मल स्टील के प्लेट पे मैंने ऐसे ही स्प्रेड कर लिया है, और इस पे भी ऐसे रखूंगी। वो बटर का जो पेस्ट था, बटर गार्लिक जिंजर और कोरिएंडर लीफ का, उस पे थोड़ा सा मैं इस पे ऊपर से ऐसे स्प्रेड करूंगी, इस पे ओरिगेनो को हम स्प्रेड आउट करेंगे। आफ्टर दैट चिली फ्लेक्स को भी ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। इसे भी इस तरह से डिवाइड कर देंगे कट्स में, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए बस देखिए प्री हीटेड कन्वेक्शन में डाल के इसे 10 मिनट के लिए, मैंने जो सेटिंग तैयार की है मैंने नमक पे स्टैंड रख के अब उस पे ये प्लेट रख लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 मिनट हुए हैं और ये रेज करना इसने शुरू कर दिया है, हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे नहीं तो फिर ये कड़ा हो जाएगा। इसे मैंने निकाल दिया है कन्वेक्शन से, आप इसे चाहें तो ओटीजी माइक्रोवेव किसी भी चीज में बना सकते हैं। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए ये कितना चीजी और कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, देखा आपने, इसे चाहे कहीं से काटूं, थोड़ा सा जस्ट इसे ऐसे कर देना है, फिर देखिए आप इसका
गर्म है बहुत ज्यादा, मैं इसे 2-3 मिनट के बाद निकालूंगी। देखिए इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, देखिए ये कितनी चीज़ी दिख रही है, बिल्कुल डोमिनोज या पिज्जा हट की तरह आप घर में बना सकते हैं। इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है और इसका भी टेक्सचर सेम आया है, ये भी देखिए कितना चीज़ी दिख रहा है। तो देखिए मैंने इसे कन्वेक्शन में बनाया है और इसे कढ़ाई में बनाया है। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर इसके मजे मेवो के साथ ले सकते हैं, दोनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। और एक बार आप अगर इसे खुद से बनाएंगे तो बनाना भी बहुत आसान है, और घर का बनेगा तो ये व्हीट फ्लोर में आप बनाएंगे, आप बनाएं खाएं और इन्जॉय करें। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।